हेलो दोस्तों, अगर के आर राहुल नहीं खेलते हैं तो ईशान किशन बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज करेंगे, लेकिन उसके बाद भी के आर राहुल की आपसी नहीं हुई तो क्या संजू सैमसन को मौका मिल सकता है? तो आइए जानते हैं पूरी वीडियो में। के आर राहुल शुरुआती दो मैचों में नहीं खेलेंगे और अगर के आर राहुल टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं तो उसके जगह पर संजू सैमसन को टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। अगर के आर राहुल तीसरे मैच के लिए फिट हो जाते हैं तो फिर संजू सैमसन को टीम से बाहर होना पड़ेगा। वेस्ट इंडीज दौरे पर संजू सैमसन टीम इंडिया का हिस्सा थे, हालांकि इस बल्लेबाज ने कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में संजू सैमसन लगातार सस्ते पर आउट होता रहा, हालांकि इसके बाद भी आयरलैंड के खिलाफ जसप्रीत बुमराह की कप्तानी वाली टीम ने इसको मौका मिला था। एशिया कप के टीम में संजू सैमसन को जगह बनाने में नाकाम रहा। इस टीम में बतौर विकेट कीपर के आर राहुल और ईशान किशन को जगह मिला है। पिछले लंबे वक्त से के आर राहुल चोट के कारण मैदान से दूर थे, लेकिन एशिया कप टीम के लिए के आर राहुल को चुना गया है, लेकिन अब के आर राहुल के पहले दो मैचों में खेलने की खबर नहीं आ रही है। एशिया कप का आगाज 30 अगस्त को हो रहा है, हालांकि भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ 2 सितंबर को करेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच का मुकाबला कैंडी में खेला जाना है।